ना किसी के प्रभाव में जियो और ना किसी के स्वभाव में जियो। जाति पाति को लेके कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, जितने आज के डेट में दलित हैं, ओबीसी हैं, वो कभी चक्रवर्ती सम्राट होते थे। रही बात जो ये दोष हमेशा सवर्णों को दिया जाता है, इतिहास गवाह है, राजपूतों 30 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रहते थे, शबनम जी बोला जाता था। शबनम जी को सुनते हैं, दो दो मिनट दोनों को दूंगा। शबनम जी, शबनम, मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण दुखी है या सबसे घोषित, इतिहास में सबसे घोषित दरिद्र और दुखी अगर कोई है तो वो सुदामा रहा है, वो ब्राह्मण रहा है, जिसका उदाहरण दिया जाता है। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को बोला जाता है, जो वो जाति से कुम्हार थे, ओबीसी थे, लेकिन इतने बड़े इन्वेंटर थे कि आपको अभी मिश्रा भाई साहब को आपने जरा सा कहा तो मिश्रा भाई साहब कैसे अपने ऊपर लेकर गुस्सा आ गया। मैं आज भी मानता हूं, देखिए मैं बीजेपी के प्रभाव में नहीं हूं, लेकिन मैं बोलूंगा बीजेपी ने एक काम अच्छा किया है। एक काम अच्छा ये किया है कि पहले जो पार्टियां थी, आप देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा और ये सारे जो थे, वो जाति ओरिएंटेड ही थे और उनका ऐसे स्लोगन होता था, ऐसे नारा होता था। लेकिन बीजेपी ने आज कम से कम हिंदू समाज के साथ साथ मुसलमान को भी एक समान प्लेटफॉर्म पर ले आकर के वो बात कर रहे हैं। उनकी जो फिलॉसफी है, अगर उसके बेस पॉइंट को देखा जाए, उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, तो आप ही की तो बात वो कर रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई सब लोग यहाँ पे बराबर है, कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। मैम सुनिए, राम मंदिर या काशी में जाके गंगा नहाना अगर एक ड्रामेबाजी है, तो यही चीज ओवैसी जाके कर लेना, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लालू यादव कर ले और जितने नेता हैं, सीताराम येचुरी जाके कर ले। 10 मिनट के ड्रामे करने से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो ड्रामा कर लेना चाहिए। मैं क्यों भाई काशी जाऊंगा, मोदी जी क्या मेरी टोपी ओढ़ते हैं जो मैं उनकी काशी में। अगर काशी जा करके गंगा नहाने से, ड्रामा करने से प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल जा रही है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव जीतना मुद्दा है, 10 मिनट के लिए वो भी ड्रामा कर ले। अगर वो टोपी लगा के ड्रामा कर सकते हैं तो ड्रामा करने में क्या दिक्कत है, अगर उनको अपना लक्ष्य लेना है, लक्ष्य प्राप्त करना। शबनम जी, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 21वीं सदी में भी अभी हम जात पात धर्म इनके चक्रों में फंसे हुए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो जहाँ पर शरिया ला है, जहाँ पर मुस्लिम रिलीजन्स हैं और जहाँ पर उनके नाम पर राज किया जाता है, वहाँ पर तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। दैट इज़ अ वेरी क्लियर कट थिंकिंग, यहाँ पर जो है ये राज ऐसे होगा। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जिन्ना साहब का ये ख्याल था कि मैं इसको सेकुलर रखूँगा, लेकिन बाद में वो भी शरिया लॉ में एंटर हो गया और वो भी मुस्लिम कंट्री बन गया। इस वक्त कोई नियर अबाउट 58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 52 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें पूरा प्योर रिलीजन के नाम पर ही सब कुछ होता है, शरिया लॉ के नाम ही सब कुछ होता है। अब बात करते हैं, आज वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इंडिया। मैं थोड़ी सी भी आपको हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ले चलूंगा। 37 साल राज किया अशोका दी ग्रेट। अशोका ने जब कलिंगा की वार जीती, उस वक्त उसको रियलाइज हुआ कि मैंने जो हजारों लोगों को यहाँ कत्ल किया है, मारा है, जो मरे हैं उनकी फैमिलियों के ऊपर क्या असर हुआ होगा। इस तरीके को सोचते हुए उसके दिमाग में एक नई थिंकिंग आई और वो एक किसी बुद्ध ज्ञानी को मिला, बौद्ध ज्ञानी को, और उसने अपने आप को बौद्ध कन्वर्ट कर दिया। देखिए उसकी और भी बहुत, एक पुराने ज़माने का एक ही राजा है जिसकी आपको लिखित बकायदा ग्रीक में मिलती है, इटली में मिलती है, इटालियन लैंग्वेज में मिलती है, रोमन में, और हिंदुस्तान की लैंग्वेज में मिलती है जो उसने लिखवाई। लकली ही वॉज वेरी एट दैट टाइम ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट किंग्स, विच वॉज 239 BCE। उसके बाद क्या वजह हुई कि सारी दुनिया में तो बुद्ध धर्म फैलना शुरू हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में जब उसके बाद गुप्ता ये मौर्य से बिलोंग करते थे, फिर गुप्ता जब आए
तो गुप्ता ने पहले एक ऐसा राजे थे जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के फैलाने की कोशिश की, क्योंकि तब तक हिंदू धर्म ऑर्गेनाइज्ड हिंदू धर्म नहीं था, वेदादि थे, लेकिन ही वॉज देवर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड। और कहते हैं कि उस वक़्त जो बौद्धी थे उनके ऊपर इतने जुल्म शुरू हो गए इस रजीम की तरफ से कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भाग के जाना पड़ा। वो कोई नेपाल चले गए, कोई थाईलैंड चले गए, कोई जापान चले गए, चाइना चले गए, वहाँ पर जाके उन्होंने श्रीलंका चले गए, वहाँ पर जाके उन्होंने बौद्ध धर्म की जो है वो बकायदा जाके कोशिश की कि वो उसको इस्टेब्लिश कर सकें, और बहुत अच्छे तरीके से किया इस्टेब्लिश। लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि इसके बाद कोई एक राजा हुआ नहीं जो इंडिया को जोड़ के रख सकता, इंडिया के डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट 500-600-700 राजे बन गए, यहाँ तक कि एक राजे तो छोटे छोटे 4-4, 5-5, 7-7 गांवों के भी राजे बन गए। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में जो है एक सोसाइटी टोटल डिवाइडेड सी रही, और जिसमें फिर 1200 साल जो फॉरेन फोर्सेस हैं, जिसमें पहले मुस्लिम राजे आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने रूल किया। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी के बाद क्या हमने जात पात या हमने जो नीच जो जिसको हम कहते हैं कि जो मैं नीच वर्ड कभी यूज़ नहीं पसंद करता, लेकिन जो पिछड़ी हुई जाती हैं जी, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है पिछले 78 साल से, इसकी बात करेंगे। और हिंदुस्तान में आने वाले जो इलेक्शंस हैं 5 स्टेट्स में फरवरी और मार्च में, उनके फिर बाद में अक्टूबर नवंबर में फॉल में आपको पता है इलेक्शन गोवा में भी हैं और फिर हरियाणा में भी हैं, ऐसे एक और स्टेट है मेरे दिमाग से निकल गई, 3 स्टेटों में इलेक्शन जो हैं वो 2022 में प्लस 5 अभी स्टेटों में होने इलेक्शन। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं आज जानी पहचानी शख्सियत, वुमेन मूवमेंट में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाली, वुमेन की पावर बनकर लोगों के सामने आने वाली और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हुई, अपनी लाइफ की परवाह न करते हुए, अपने प्रोफेशन की परवाह न करते हुए डे एंड नाइट हेल्प कर रही हैं, जो कि लेडीज़ जिसको मैं माइनॉरिटी नहीं कहता, बल्कि वो तो हिंदुस्तान में 50% से भी ऊपर हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि लो जी लेडीज़ माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी हैं ये उनके लिए एक बहुत बुलंद आवाज़ की तरह खड़ी हैं। आइए स्वागत करते हैं शबनम जी का। जय हिंद शबनम जी, थैंक यू। और ए के मिश्रा जी के बारे में आपको क्या कहूँ, इनको डिफरेंट टीवियों के ऊपर इनकी बुलंद आवाज़ को जब आप सुनते हो तो लोग खुद ही ये पहचान जाते हैं कि हाँ भाई यही एक मिश्रा है जो आता है और कोई लॉजिक की बात करता है, कोई रिसर्च करके काम करते हैं, ये नहीं मेरी तरह आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ये रिसर्च करते हैं, ये बकायदा उस पर काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और शबनम मैम को भी नमस्कार। मिश्रा साहब, आपकी तरफ एक अमेरिकन स्टडी ग्रुप है वर्ल्ड में नोन, उन्होंने 2019 और 2020 में 30,000 हैं जी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जैन सिख्स हर कम्युनिटी के बौद्ध हर कम्युनिटी के साथ जो है वो एक सर्वे किया, और उसमें उन्होंने जो एक सबसे बड़ी चीज़ पाई कि ये जो मेजर 2019 में और 14 में तो था ही, मोर देन 62% पीपल वोटेड फॉर बीजेपी इन द नॉर्थ। मज़े की बात यह है, और आप हैरान होंगे कि साउथ में जो साउथ में भी तो हिंदू हैं ना, जो साउथ में हिंदू हैं उन्होंने सिर्फ 19% हिंदुओं ने सिर्फ 19% हिंदुओं ने जो है वो बीजेपी की वोट डाली। लेकिन साउथ की पॉलिटिक्स कुछ और है, दैट इज़ बेस्ड ऑन लिटिल डिफरेंट लेवल। जी
हमारी ये जो पॉलिटिक्स है, ये बताइए मुझे, मैंने आपसे ना, क्योंकि आप बहुत एक स्पेशलिस्ट हैं, स्टडी ग्रुप भी है आपका, क्या वजह है कि जो हिंदुस्तान, जो दुनिया, जो इलेक्शन के मुद्दे होने चाहिए, जैसे यहाँ होते हैं इलेक्शन के मुद्दे होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाँ जी, वेलफेयर ऑफ द यूथ, वेलफेयर ऑफ द लेडीज़, रादर दैन गिविंग गिविंग गिविंग, व्हाट डू यू थिंक, हाउ यू फोरसी द फ्यूचर इफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कंटिन्यूड? डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं और क्षमा के साथ मैं आपसे थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपने बात शुरू की थी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका पहला मत ये था कि ये जो जाति पाति में हम बटे हुए हैं, दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो अशोका को बताया, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और ये मान के चलिएगा कि मैं जानता हूं कि दुनिया भर के लोग ब्राह्मणों को पोसते हैं टीवी चैनल पे और जितने पिछली जाति वाले हैं वो सारी चीजें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और बाय डिफॉल्ट मेरी कास्ट वही है। तो मैंने इस चीज को बहुत स्टडी किया है और बहुत मैंने अध्ययन किया है। राजनीति, धर्म, जाति पाति आज के करेंट टाइम में कैसे अफेक्ट कर रही है, वो सेकेंड पार्ट आपका है, वो मैं बताऊंगा। मैं बुद्ध से शुरू करता हूँ। जब आपने बोला था वहां पे था ये चंद्रगुप्त जो एक ब्राह्मण था बाई कास्ट, और उसने एक आज के हिसाब से मौर्य था, चाणक्य एक ब्राह्मण था, और जो मौर्य आज के हिसाब से वो ओबीसी में आते हैं, 14 साल के एक लड़के को जो है योग्यता के दम पे उठा के उसने चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। पहली चीज, उसने जाति नहीं देखी थी, उसने ये नहीं बोला कि तुम मौर्य हो तो हम तुमको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसने उस बालक को सेलेक्ट इसलिए किया, गांव भर के और बालक थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा योग्य था। अब वो एक डेस्टिनी बनी। उसके बाद अशोक आए, और अशोक ने जो आपने ये मत बोला, ठीक यही चीज कि भाई इनको बौद्धों को भगा दिया, यही चीज सीताराम येचुरी ने बोला था, एक कॉन्क्लेव में मैंने सुना था, ये मिथ है। देखिए मैं आपको बताऊं है क्या, अशोक ने बौद्धों का जो प्रसार पूरी दुनिया में हुआ वो बुद्धों को यहां से, बौद्धों को यहां से भगाने के कारण नहीं हुआ। ये तो डिक्लेयर्ड इतिहास है कि एक राजा अशोक ने पूरा का पूरा जो है संरक्षण दिया, उसने अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा, कहां भेजा, श्रीलंका वगैरह भेजा, पूरा राजतंत्र अशोक और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा रहा। भाग करके कोई इतना जो है बुद्ध का या किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है जब तक कि राजकीय संरक्षण न मिले। राजकीय संरक्षण मिलना अच्छी बात है, उसके पीछे कारण है, बौद्ध धर्म से सनातन को या यहाँ के जो ओरिजिनल धर्म है तीन चार सनातन का कभी भी उनसे विद्वेष नहीं रहा। भगाने वाली बात जो मिथ फैलाई जाती है वो मैं आपको बता दूं क्यों फैलाई जाती है। लास्ट में, यानी कि जब अंतिम इनके वंश का जो राजा हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उनका सेनापति था पुष्यमित्र सुंग। उस वक्त की आप राजनैतिक परिस्थिति को देखिए, यवन लोग आ करके हर जगह, यहाँ पे आज जो सीए और एनआरसी चल रही है वो पुष्यमित्र सुंग ने वो काम किया था। उसने राजा को बोला कि यवन सेना शहर के बाहर खड़ी है, आप अटैक करने का आदेश दीजिए। वो राजा इतना भीरु हो चुका था, इतना कायर हो चुका था, उसने बोला युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। तब पुष्यमित्र सुंग जो कि ब्राह्मण था, उसने उसको मारा, और मारने के बाद कमान ली, युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उन सबको भगाया। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि वहां पे ये भी हुआ था, पुष्यमित्र सुंग के गुरु कौन थे, पाणिनि। अब पाणिनि कौन थे ये भी सुन लीजिए, जिन्होंने संस्कृत जो एक प्रिमिटिव टाइप का, उसमें ग्रामर की बहुत मिस्टेक थी, तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत को एक नया आयाम दिया, ग्रामेटिकली उसको इतना करेक्ट किया, अब अष्टाध्यायी वगैरह ये सब लिख करके, कि आज संस्कृत कंप्यूटर के लिए, साइंस के लिए सबसे रिच लैंग्वेज मानी जाती है, कोई मिस्टेक नहीं है ग्रामर की। और उनके गुरु पाणिनि ने ही जो है सबसे पहले जो है फिर से दशाश्वमेध यज्ञ की यहाँ पे शुरुआत करवाई और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। ये इतिहास है। अब डिटेल में अगर मैं और जाऊंगा तो उस वक्त भी बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे थे राष्ट्र के लिए, और वो काम राजनीति के लिए किया गया था, न कि धर्म ओरिएंटेड हो करके किसी ने किया था कि भाई एक धर्म विशेष की हमें क्लिंजिंग करनी है। ये मिथ को मैं किसी भी टैलेंटेड आदमी, विद्वान से ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए मैं तैयार हूं। समय छोटा है, कम है, लेकिन बहुत सारे मैं प्रमाण दे सकता हूं। दूसरी चीज जो आपने बोला जाति वगैरह, देखिए इसकी ओरिजिन देखिए, सनातन सभ्यता में यहाँ पे जिन लोगों ने भी पूरे एक समाज की व्यवस्था की, जो धर्म गुरु थे, आचार्य थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हम जाति व्यवस्था इस निगेटिव प्रस्पेक्टिव के लिए कर रहे हैं।
जाति व्यवस्था इट इज द वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर है, क्या मेडिसिन की क्लासिफिकेशन नहीं होती है कि किस ग्रुप में कौन सी मेडिसिन है? बॉटनी में प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, आदमियों का क्लासिफिकेशन है नियंडरलेथल मानव, और हम करंट में होमोसेपियंस है, हमारा जो है बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस है। इतने बड़े समाज को चलाने के लिए जहां पे करोड़ों करोड़ लोग हैं वहां पे क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हर कंपनी में क्लासिफिकेशन होता है कि एक एमडी होगा, एक डायरेक्टर होगा, एक ओनर होगा, क्लर्क से लेके एक हायरार्की होती है, और वो हायरार्की जो होती है डिपेंडेंट ऑन कर्मा एंड क्वालिटी होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन बना था ये कर्मा और क्वालिटी के, हर आदमी तो समान नहीं हो सकता है ना। कोई ये बोले कि भाई आइंस्टीन से कोई कंपैरिजन करे तो आइंस्टीन को तो सबसे टॉप साइंटिस्ट, अब बोले कि जी हमें उनके बराबर क्यों नहीं रखा गया है? एक मिनट मैम सुन लीजिए मुझे, लेट मी कंप्लीट। अब रही बात बहुत अच्छे चीज के लिए जो है ये क्लासिफिकेशन किए गए थे, बाद में राजनेताओं ने, मैं तो ये बोलता हूं कि भाई आप मुझे ये बताइए सनातन सिस्टम ने, और स्पेशली अगर ब्राह्मणों के ऊपर अटैक करते हैं तो मैं तो सीना ठोक के बोलता हूं कि हम वो ब्राह्मण है जिसने आज के हिसाब से, कृष्ण ओबीसी थे यादव, हमने उनको भगवान बना दिया। आप मुझे बताइए बिना पैसा लिए हुए उनके जो गुरु थे संदीपन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जो आज के हिसाब से, आज के नेताओं और अंग्रेजों के हिसाब से, आज के नेताओं और अंग्रेज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन शॉर्ट रखिए, शॉर्ट रखिए क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। एक मिनट में, अंग्रेजों और आज के संविधान के हिसाब से जो ओबीसी है मौर्य, उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। मैं 25 उदाहरण दूंगा, जाति पात की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज करंट डेट में इन सब चीजों को यूज करके, धर्म को यूज करके और जाति पात को यूज करके डेफिनेटली अपना मतलब साध रहे हैं और गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं। यूज करना, अच्छे तरीके से करना मैं समर्थन करता हूं, लेकिन गंदे तरीके से, स्वार्थ भरे तरीके से कि आप वादा कर लो, मैं बोलता हूं आप वादा कर लो लेकिन आने के बाद उसको फुलफिल तो करो। 70 साल में एक भी वादा फुलफिल किया होता तो किसी न किसी जाति का उद्धार जरूर हो गया होता। 70 साल का समय बहुत होता है सर। मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया हमें, बड़ा अच्छा लगा मुझे तो, खास क्योंकि आई लव हिस्ट्री। मैं तो बड़े देखता रहता हूँ चैनल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, ओल्ड डॉक्यूमेंट्रीज, दुनिया कैसे बनी, अर्थ कैसे बनी, इंसान कैसे पैदा हुआ जी। लेकिन वो तो हो गया, वो तो पास था। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त की जो सोसाइटी बनी हुई है उस सोसाइटी में किस तरीके से तालमेल लाया जा सकता है, किस तरीके से ये एक अपर और सुपीरियर और अपना कोई जूनियर पार्टनर, कोई ये पार्टनर, ये इनके ऊपर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं आ सकता ख्यालों में कि हम सब एक होके बात करें, ये आपको नज़र आता है आने वाले टाइम के ऊपर? डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं क्लियर कट। अगर आप इंडिया में देखें और इंडिया के बाद भी अगर आप देखेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन या गल्फ वगैरह में, तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है, ये वहां पे भी अवेलेबल है। इवन आज के टाइम में जो ब्रिटिश गोरे हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिकन या किसी और कंट्री के। वो बोलते हैं असली गोरे तो हम ही है। सवाल यहाँ पे इस चीज का नहीं है। सवाल जो मैंने एक शब्द बोला था, न किसी के प्रभाव में जियो। कोई नेता आके खड़ा होगा वो बोलेगा कि जी तुम तो मतलब बहुत सताए हुए हो, मैं धर्म और जाति की बात कर रहा हूं, तो सारे लोग मानना शुरू कर देंगे हम सताए हुए हो। देखिए हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा, सबसे पहले जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो किसी भी जाति और धर्म का हो, वो इस चीज को समझे कि मेरे पास भी उतने ही अंग है, नेचर ने हमको बराबर बनाया हुआ है। अब दिमाग में अगर किसी के कोई ये चीज डाल दे और आदमी उसी चीज को सोचने लगे कि हम जी छोटे तबके के हैं, फिजिकल चीजों को छोड़ दीजिए, मेटलिस्टिक चीजों को छोड़ दीजिए कि किसकी इनकम क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक स्टेटस सिंबल और एक सेपरेशन जो है वो किसी न किसी रूप में इस सृष्टि में हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। वो सही है या गलत है इस चीज पे डिबेट होनी चाहिए और उसको सही करना चाहिए। रही बात अगर हम नेताओं के भरोसे करेंगे, आपने जो यूपी का सवाल पूछा, मैं आज भी मानता हूं, देखिए मैं बीजेपी के प्रभाव में नहीं हूं लेकिन मैं बोलूंगा बीजेपी ने एक काम अच्छा किया है। एक काम अच्छा ये किया है
कि पहले जो पार्टियां थी, आप देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा और ये सारे जो थे वो जाति ओरिएंटेड ही थे और उनका ऐसे स्लोगन होता था, ऐसे नारा होता था। लेकिन बीजेपी ने आज कम से कम हिंदू समाज के साथ साथ मुसलमान को भी एक समान प्लेटफॉर्म पर ले आकर के वो बात कर रहे हैं। उनकी जो फिलॉसफी है, अगर उसके बेस पॉइंट को देखा जाए, उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, तो आप ही की तो बात वो कर रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई सब लोग यहाँ पे बराबर है, कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, पुरुषों को, बच्चों को, हर जाति धर्म के लोगों को कानून या संविधान एक एक समान दृष्टि से देखेगा। इसी तरीके से बीजेपी ने ये चीज पहली बार की कि हिंदुओं में जितने भी जाति वगैरह थे, आप मुझे एक चीज ये बताइए, आप पराकाष्ठा देखिए यहाँ पे, चाहे सनातन धर्म की बोलिए चाहे मोदी जी के स्वभाव की, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, उसको नौटंकी भी बोला, जा करके प्रयाग में उन्होंने दलितों के या जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं उनके पैर धोए। इससे बड़ी आप क्या चाहते हैं? एक आदमी या एक पार्टी तो चेंज लाना चाहता है, लेकिन कोसने वाली बात है हम लोगों को इंडिविजुअल। अब मैं निकलना नहीं चाहता हूं, मैं सोचता रहूंगा कि भाई मैं तो कमजोर हूं क्योंकि हमारे नेता बोल रहे हैं, हमारा प्रधान बोल रहा है। तो इन नेताओं को जो लोग ऐसे बोलते हैं, सबसे पहले सबक उनको, उनके समाज, उनके जाति के लोग जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक वो जो है इस चंगुल में फंसे रहेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है। हाँ जी, आपके पास एक लाइन और। मैंने ये देखा है जितने पिछड़े हुए लोगों के लोग एमपी हो गए हैं, जो आईएएस हो गए हैं, वो अपनी शादी या अपने बेटों की शादी अपनी बिरादरी में या एक नीचे लेवल जो उन्हीं की बिरादरी में है उनसे नहीं करेगा। वो झांकने भी नहीं जाते हैं अपनी बिरादरी में क्योंकि उनका स्टेटस अब अलग हो गया है, वो अपने अलग स्टेटस के कारण जीते हैं। तो अगर आप अपनी सफाई खुद नहीं करेंगे, आपके समाज के लोग अपने समाज की सफाई नहीं करेंगे, जो एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है भारतीय समाज में, पुरातन चिंतन में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। जाति पाति को लेके कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, जितने आज के डेट में दलित हैं, ओबीसी हैं, वो कभी चक्रवर्ती सम्राट होते थे। जाति पाति को लेके कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, जितने आज के डेट में दलित हैं, ओबीसी हैं, वो कभी चक्रवर्ती सम्राट होते थे। बुद्ध के पिताजी भी पिछड़ी सोसाइटी से आते थे लेकिन वो राजा थे। तो आप अपने अपने ऊपर गर्व क्यों नहीं करते? आप अपने इतिहास के ऊपर गर्व क्यों नहीं? ये हीन भावना जिसने भी डाल दी, अंग्रेजों ने डाल दी, मुगलों ने डाल दी, राजनेताओं ने डाल दी, इस हीन भावना से उठिए, आपको लगेगा कि आपकी जाति भी एक सर्वश्रेष्ठ जाति है और गर्व करने के लिए बहुत सारे रीजन मौजूद हैं आपकी जाति में। हाँ जी मिश्रा, आप इतिहास के तथ्यों को समझिए। मिश्रा जी अभी आपके पास आते हैं, मैं थोड़ा सा ना शबनम जी मिश्रा जी से डिसएग्री करता हूँ कि उन्होंने जाके पांव धोए, उन्होंने ये किया। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये ड्रामे करते हैं, मैं इनको ड्रामा कहता हूँ। ये लोगों से वोटें जीतने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। आप वो कहते हैं वो पांव धो के पानी भी पी लेंगे, हाँ जी पांव धोने तो एक तरफ रहे, पांव तो वो जेल में भी जाके लोगों के उन्होंने धोए थे, आपको याद होगा। ये 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 एक ड्रामे है, इसकी छोड़िए, प्रैक्टिकल बात हमने ये करना है कि क्या आने वाले टाइम के ऊपर, इन्होंने कहा, इन्होंने मुसलमानों को, जनसंघ ने मुसलमानों, बीजेपी ने मुसलमानों को एक स्टेज पे इकट्ठा कर दिया। नहीं, उन्होंने अवैसी को तैयार किया, उन्होंने अवैसी को कहा कि तू आ, तेरा सारा अंदर से जो कुछ भी उनका आपस में जो भी फैसले हुए हुए हैं, तू आके यहाँ पर मुसलमानों की वोटें तोड़ एसपी से ताकि हम जीतें। ये कोई इकट्ठा नहीं किया किसी ने भी, ना किसी ने कहा है, और क्योंकि उनके जितने काम हैं उनमें से एक काम भी ये शो नहीं करता कि वो इस कम्युनिटी की परवाह करते हैं। हर अपने अपनी कम्युनिटी के एक रसूख होते हैं, एक सोचने का ढंग होता है। मुसलमानों के सोचने का ढंग अलग है, सिखों के सोचने का ढंग अलग है, हैं जी बौद्धियों के सोचने का ढंग अलग है, जैनियों का अलग है, लेकिन क्योंकि इस वक्त 79% हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो हैं हिंदू धर्म से बिलोंग करते, और उसमें भी अफसोस वाली बात यह है, शमरन जी मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर बोलें, कि उसमें भी 40-45% जो पिछड़ी हुई जाती हैं वो तो उनको हिंदू मानते ही नहीं, वो तो उन्होंने तो आज तक, ये अभी थोड़ा बहुत पिछले कुछ सालों में
कोर्ट्स ने इंटरफियर किया, लोगों ने इंटरफियर किया जी, वो तो ना जा सकते थे मंदिरों में, ना कुओं में पानी पी सकते थे। अभी जस्ट 20-30 years बैक तक तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारे हिंदुओं को वो क्यों अलग हो रहे हैं, क्यों वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्यों वो और कम्युनिटी में जाके तब्दील हो रहे हैं, क्यों वो बौद्ध बन रहे हैं, इसीलिए कि जब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही हिंदू नहीं मानोगे, वो जबकि हिंदू हैं, तो फिर क्या बनेगा। शबनम जी, अपना इशू है कि चाहिए, कोई नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई। अभी आपने एक अच्छी बात कही कि कोई ऐसा काम दिखाई दे जाता जहां लगता कि प्रधानमंत्री के हर अच्छे काम को मुसलमान भी सराहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल उनके दुश्मन बैठे हैं और उनके हर बात को नकारते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उन्हें थोड़ा सा गले भी लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उनकी बात को भी समझना पड़ेगा। आप तो कहते हैं कि किताब भी लीजिए, कुरान भी लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा भी, और सबका साथ सबका विकास, आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कहीं पर जब उनकी ही पार्टी के लीडर्स, जब उन्हीं की पार्टी के लीडर मुसलमान को कहीं नमाज पढ़ने से रोकते हैं, कहीं डंडा मारते हैं, कहीं भगाते हैं, कहीं कहते हैं अब हम यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मैं बोलती हूँ कि एक तरफ नमाज और एक तरफ हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकती? बैठिए साथ में, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुसलमान मना करे तो बताइए जरा, उनकी भी जरा क्लास ली जाए ढंग से। मगर ये सिर्फ एक मुद्दा बनाना, पूरे देश में एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल बना देना, ये गलत है। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, हर मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है, अगर अच्छा किया है तो हमने सराहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को, और एक मैंने देखा टीवी चैनल में ना बैठा दिया है कसकर कि आपको इनको गाली ही बकनी है, आपको इनकी हर चीज खराब ही बतानी है, आपको। अभी मिश्रा भाई साहब को आपने जरा सा कहा तो मिश्रा भाई साहब कैसे अपने ऊपर लेकर गुस्सा आ गया, आपको अभी मिश्रा भाई साहब को आपने जरा सा कहा तो मिश्रा भाई साहब कैसे अपने ऊपर लेकर गुस्सा आ गया, कैसे उन्होंने हिस्ट्री फिर बताई। मैं तो नहीं मानती हूँ खैर ब्राह्मणों ने इस तरीके का वो किया होगा, भाई ठीक बता रहे हैं, हिस्ट्री भी बता रहे हैं, हमने भी पढ़ी है, और आप हमें इतना अच्छा ज्ञान भी देते हैं डॉक्टर साहब, और मिश्रा भाई सबसे भी सीखने को मिलता है इतना। मैंने तो, आपको कोट किया, ये सीताराम येचुरी का स्टेटमेंट था, और उनके साथ और ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल है जो बोलते रहते हैं। मैं तो देखिये, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ये पॉलिटिशियन ड्रामेबाजी कर लेते हैं, मैं मानता हूँ, सुनिए राम मंदिर या काशी में जाके गंगा नहाना अगर एक ड्रामेबाजी है तो यही चीज ओवैसी जाके कर लेना, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लालू यादव कर ले, और जितने नेता हैं सीताराम येचुरी जाके कर ले, 10 मिनट के ड्रामे करने से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो ड्रामा कर लेना चाहिए। मैं क्यों भाई काशी जाऊंगा, मोदी जी क्या मेरी टोपी ओढ़ते हैं जो मैं उनकी काशी में। अगर काशी जा करके गंगा नहाने से ड्रामा करने से प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल जा रही है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव जीतना मुद्दा है, 10 मिनट के लिए वो भी ड्रामा कर ले, अगर वो टोपी लगा के ड्रामा कर सकते हैं तो ड्रामा करने में क्या दिक्कत है, अगर उनको अपना लक्ष्य लेना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। शबनम जी आप बोलिए। काशी को जो करना होगा वो अपने धर्म का करेगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपने हिंदू रीति रिवाज अपनाएंगे, अब उसे ओवैसी को कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रचना होगा और मुसलमानों को कुछ लब्बो लुभाव से वो लुभावने लालच देने होंगे तो वो अपनी मस्जिद में जाके दिखाएगा या कुछ और करेगा इस्लामिक इस तरीके की चीजें, या फिर मुसलमानों का हितैषी बन के दिखाएगा। हमें नहीं पता कौन किसकी ए टीम है या बी टीम है। मेरे तो मैं माइनॉरिटी के लिए सवाल किया है डॉक्टर साहब ने, तो मैं अपनी माइनॉरिटी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी सच में दिल में इच्छा है कि मुसलमान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले और मुसलमान सच में सही दिशा में दौड़े, और दूसरे नेताओं ने हमेशा उनका शोषण किया, इस्तेमाल किया और वोट बैंक बना के रखा, तो आपको थोड़ा प्यार से उन्हें लेना पड़ेगा। आप एक तरफ अपने लीडर्स को भेज देते हैं गालियां मकवाने के लिए, एक तरफ आपका एक बड़ा तबका नेतागिरी का, और टीवी डिबेट में हर व्यक्ति बैठा हुआ मुसलमान को गाली बक रहा है, हर व्यक्ति इसमें शान समझ रहा है जब मैं मुसलमान को गाली बक के निकल जाऊं, तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा ना। धीरे आप किसी अभी अभी डॉक्टर साहब या मेरे बड़े भाई मिश्रा जी, आप हमें क्यों छोटी बहन मानते हैं?
आप और हम एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रेम है हमारे अंदर, इसीलिए तो हम बहन भाई नहीं, हैं। नहीं शबनम जी एक मिनट, नहीं शबनम जी एक मिनट, शबनम जी एक मिनट, आपने जो बात कही, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मिश्रा जी से पूछता हूँ कि जो 79% में 40-45% जो हिंदू हैं, लेकिन उनको क्योंकि वो अपर कास्ट में नहीं बिलोंग करते, वो राजपूत नहीं हैं, वो ब्राह्मण नहीं हैं, हैं जी उस क्षत्रिय नहीं है, उस वो कैटेगरी में नहीं आते, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, कि मिश्रा जी उसकी क्या जस्टिफिकेशन है फॉर द लास्ट 77 ईयर्स? ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा दुखी है, उनकी तो हत्याएं हो रही है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, शबनम मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण दुखी हैं या सबसे घोषित, इतिहास में सबसे घोषित दरिद्र और दुखी अगर कोई है तो वो सुदामा रहा है, वो ब्राह्मण रहा है, जिसका उदाहरण दिया जाता है। शबनम मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण दुखी हैं या सबसे घोषित, इतिहास में सबसे घोषित दरिद्र और दुखी अगर कोई है तो वो सुदामा रहा है, वो ब्राह्मण रहा है, जिसका उदाहरण दिया जाता है। हमारी तब भी शिकायत नहीं है ना भगवान से, हमने शिकायत की, आज की बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, आप जो आज बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैंने उन चीजों को बोला, मैं ये बोलता हूं कि जब आपकी ही कम्युनिटी के लोग आपके आपको कंसीडर नहीं कर रहे हैं और आप खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं, आपके पास इतिहास भरा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहला जो दोष होता है वो अपने आप को होता है। जिसको आगे बढ़ना है वो सारी बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ा है, चाहे जो सामाजिक मान्यताएं रही हैं, इन नेताओं के भरोसे अगर कोई कम्युनिटी या समाज रहेगा, मैं बोलता हूँ मुलायम सिंह की सरकार आई, मायावती की सरकार आई, तब भी स्टेटस उनका नहीं बदल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? आप पुरुषार्थ से ही अपने भाग्य और स्टेटस को बदल सकते हैं। नेताओं के भरोसे बैठना है तो जो काम एक साल में होगा वो काम 100 साल में होगा कि नहीं होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी हो, उसमें बहुत सारी लिमिटेशन। शबनम जी आप कुछ कह रही हैं, शबनम जी कुछ कह रही हैं? मैं बोल रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं ही ताकतवर होके उभर रहा हूँ, अरे मेरी ताकत कौन है? मेरी ताकत सरकार तो होती है ना, मेरी ताकत प्रशासन तो होता है ना, मैं जहाँ रहती हूँ प्रशासन मेरा शोषण करता है, सरकार मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? मिश्रा भाई साहब आप सोच रहे हैं कम्युनिटी अपने आप आ जाए ताकतवर होके, क्या मुसलमान कमजोर है? आज दलित अपने आप को यहाँ पर मैं देखती हूँ, जो नाम नहीं लिया जाता, नहीं लेना चाहिए, वो लिखते हैं अपने यहाँ पर गर्व से, गौरवान्वित होते हैं वो अपने यहाँ पर लिख के, मैं देखती हूँ बहुत सारे दलित भाइयों को। मिश्रा जी बोलिए। हाँ जी देखिए मैम, जो आप बोल रही हैं, मैंने बोला अगर आपको उद्धार करना है तो पहली पहली सीढ़ी आपकी अपनी ही होती है, आपको इफर्ट लेना पड़ेगा। जो आप बोल रही हैं कि गौरवान्वित महसूस नहीं करते, ये दुख की बात है, वाकई में गौरवान्वित। अब यहाँ के मैं मुसलमान, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुसलमानों की है, यहाँ के मुसलमान कोई नहीं बोलेगा कि हम हिंदुस्तान के हैं, वो कहीं ना कहीं अरब से और वहां से अपने आप को कोरिलेट करते हैं उस तरीके का ड्रेस मटेरियल। अरे तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब आप अपनी जड़ से नहीं जुड़े हुए हो? मैं बोलता हूँ कोई कम्युनिटी छोटी नहीं है, कोई कम्युनिटी बड़ी नहीं है, हर कम्युनिटी में बहुत सक्सेसफुल लोग रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग जो है संघर्ष करते हैं। रही बात जो ये दोष हमेशा सवर्णों को दिया जाता है, इतिहास गवाह है, राजपूतों 30 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रहते थे, शबनम जी बोला जाता था। शबनम जी को सुनते हैं, दो दो मिनट दोनों को दूंगा। शबनम जी, मिश्रा साहब बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत जो हिस्टोरिकल आज मेरी आंखें खोली हैं जी, वो अच्छा लगा। बाद में किसी वक्त अकेले भी मैं आपके साथ ये हिस्ट्री समझूंगा, लेकिन आखिरी कमेंट्स आप क्या देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, भारत जब एकदम पराकाष्ठा पे था विकास के, हम उस वक्त की बात करें, जाति पाति हमारे लिए कभी समस्या नहीं रही है, सब लोग मिलकर रहते थे और समाज को आगे बढ़ाने में हर तरीके से इकोनॉमिक और उससे जो है अपना योगदान देते थे। बीच में जो कुछ ये पॉल्यूशन और ट्विस्टेड वे में जो है जबरदस्ती चीजों को भर दिया गया, उसके कारण ये समस्या आ गई। मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं चलते चलते, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को बोला जाता है, जो वो जाति से कुम्हार थे, ओबीसी थे, लेकिन इतने बड़े इन्वेंटर थे कि सर्जरी को उन्होंने दुनिया में पहली बार खोजा और काशी के राजा ने उनको प्रश्रय दिया हुआ था। तो जाति के कारण अगर ये भारत में हमेशा से रहा होता तो इतने बड़े बड़े विद्वान और अच्छे अच्छे लोग जो है किसी भी या छोटी जातियों से नहीं होते। सवाल ये है, ये एक सोशल इशू है और सारे समाज के बुद्धिजीवियों को मिलकर इस पे विचार करना चाहिए। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन के भरोसे आप दूर करेंगे ना
तो वो चारा फेंकेंगे कि हम आपको इतने परसेंट आरक्षण दे देंगे, वो दे देंगे, ताकि सरकार बन जाए। पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स हमेशा से जाति पाति को एज ए टूल की तरह यूज करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो समाज जब तक प्रबुद्ध नहीं होगा, एक एक आदमी प्रबुद्ध नहीं होगा, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। जो वैमनस से फैला हुआ है वो नहीं होगी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शबनम जी, बड़ी इंटरेस्टिंग रही बात, चीज जितनी भी हुई,